कितने वर्ष तक रहे आप जेल के अंदर? 14 साल। 14 साल तक। 26 जनवरी के इस पावन पर्व आज के दिन 20 बंदियों को रिहा किया गया। इस वक्त हमारे साथ ये महिला को जो आप देख रहे हैं, केंद्रीय जेल से ये महिला कैदी हैं, इन्हें आज 26 जनवरी के उपलक्ष में रिहा किया जा रहा है। दीदी, क्या नाम है आपका? मंजू यादव। मंजू यादव। मंजू यादव। कितने वर्ष तक रहे आप जेल के अंदर? 14 साल। 14 साल तक रहे। क्या अपराध किया था आपने? सर, वो पति का केस था हमारे। पति का केस था, मतलब हत्या का केस था जी। तो 14 वर्ष आप जेल के अंदर रहे, क्या क्या आपने सीखा? सिलाई सीखी सर। सिलाई सीखी है। प्रमाण पत्र वगैरह मिला जी? दिखाइए प्रमाण पत्र। ये दोस्तों जेल के अंदर इन्होंने रह करके सिलाई भी सीखी है और इन्हें प्रमाण पत्र भी मिला है, और प्रमाण पत्र इन्हें मिल चुका है। और 14 वर्ष तक आप अंदर रहे, तो तनख्वाह वगैरह भी मिलती रही क्या? जी सर, पैसा बना है, निकलवाएंगे। पैसा बन गया? कितना पैसा बना है जानकारी है आपको? जी सर। कितना? और 72,000 बना है। 14 साल का 72,000। के अलावा आपका सिलाई सीखने के अलावा अंदर काम क्या था? कुछ नहीं सर, ये थोड़ा मोड़ा सब्जी काटना अपना। सब्जी काटना और खाना बनाने का भी काम था? हाँ, सिखाते थे। नहीं, खाना नहीं बनाते थे जी, सिखाते थे। कैसा लग रहा है 14 साल के बाद आप जेल से बाहर आए? सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अपने घर जा रहे, अपने परिवार में मिलेंगे सर। परिवार में कोई नहीं है सर? अच्छा, परिवार में है। मम्मी। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे सर। 3 बच्चे हैं। लड़के लड़के हैं या लड़कियां भी? लड़के हैं, तो एक बेटी है। एक बेटी है, 2 लड़का है। क्या करते हैं आपके बच्चे? सर, काम करते हैं। काम करते हैं। अभी बाहर जा कर के क्या करने वाले हैं आप? सर, घर का काम करें, खेती बाड़ी है। अपराध की तरफ तो नहीं सर, है ना? ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर कोई अपराध करता है तो ये कैसी जगह है, अच्छी जगह है या बुरी जगह है? सर, मानी जाए तो अच्छी भी है, अच्छी सी में, जैसे गलती करो तो सुधार है सर। गलती करने का सुधार है जी। अब दोबारा गलती नहीं होगी जी सर। पूरा नाम बता दीजिए। मंजू यादव। मंजू यादव। दोस्तों, इस वक्त हम केंद्रीय जेल में हैं और हमारे साथ जेल के अधीक्षक महोदय जी हैं। सर, आज 20 कैदियों की रिहाई हुई है, थोड़ा सा उनको जानकारी दें। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि अच्छे आचरण पर शासन द्वारा विशेष माफ़ी दी जाती है, इसी संदर्भ में जिसमें एक महिला है और 19 पुरुष हैं, ये सारे बंदी 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं, प्लस ये कुछ ना कुछ प्रशिक्षण जेल से लेकर के छूट के जा रहे हैं। आशा है कि ये जब भी समाज में स्थापित होंगे तो मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और एक अपना नया जीवन प्रारंभ कर सकेंगे। सर, जेल प्रशासन की तरफ से भी इन बंदियों का कोई सहयोग किया गया है क्या? जेल बंद अभी जब रास्ते के लिए हमने उनको भोजन बना के दिया है, प्लस उनका जो आय, जो पारिश्रमिक राशि जो बंदियों की रहती है, वो हमने उनको प्रदान की है। ठीक है सर, थैंक यू।